थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के आज हमने मीटिंग रखी और उसकी समीक्षा की। उस मीटिंग में हमने देखा कि गंगापुर में जो लगातार चंबल से 4-5 MLD पानी आ रहा था, वो 4-5 MLD पानी गदका की चौकी से वो डाइवर्ट हो करके नादोती और करौली को बिना कोई नया पंप इंस्टॉल किए उसमें से कोई टेस्टिंग के लिए पानी खोल दिया था, उस वजह से गंगापुर की आपूर्ति बाधित हो गई। तो सर क्या ये लोग गांव के लोगों के द्वारा किया गया था या वैसे ही नॉर्मल? गांव के लोगों के द्वारा नहीं, विभाग के द्वारा ही किया गया था और लाइनों को टेस्ट करने के लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उनको जांचने का काम किया लाइनों को, वो उनका काम पूरा हो गया, वापस से वो बाल उसको बंद कर दिया है और अब अधिशासी अभियंता ये प्रोजेक्ट मंडराल वाले ने हमको लिख करके दिया है कि पूरे 4-5 MLD पानी गंगापुर को जो पहले मिल रहा था वो लगातार मिलता रहेगा। और दूसरा, ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि चंबल का पानी, तो चंबल में इंटेक वेल का काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और इंटेक वेल का जो काम चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत हो गई है जी, ऐसे में वहाँ ये देखिए ये लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रही है सरकार, भाजपा के लोग आकर के तमाशा मचा रहे हैं, यहाँ आकर के कोरोना के इस संकट के टाइम में आकर के धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इंटेक बेल का काम जो जिस जो परमानेंट समाधान है गंगापुर का, उसके लिए हम लोगों ने पहले भी 2008-13 में भयंकर प्रयास किए, वही नतीजा है कि गंगापुर को पानी अभी उपलब्ध हो पाया। और ये जो व्यवस्था है ये भी SPML कंपनी और सरकार के बीच ये समझौता करा करके वापस से मैंने काम चालू करवाया है, ये इंटेक बेल का काम पूरा होगा और जैसे ये पूरा हो जाएगा गंगापुर को पूरी मात्रा में पानी मिलेगा। मेरा प्रयास है कि गंगापुर की एक भी कॉलोनी, एक भी वार्ड चंबल के पानी के बिना नहीं रहे, और ये तभी संभव होगा जब इंटेक वेल पूरा बन करके तैयार होगा जी। इसमें लगभग एक महीने का समय और लगेगा, 1.5 महीने का, उसके बाद में जलापूर्ति किसी तरीके से बाधित नहीं होगी और धीरे 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 गंगापुर के लिए पानी की मात्रा को हम लोग बढ़ाएंगे। एक सिस्टमेटिक तरीका चल रहा है, इसमें छोटी मोटी बाधाएं जो आ रही है उसके लिए भी हमने आज ये तय किया है, लोकल सोर्स जो थे हमारे उनको डेवलप करेंगे। पिछली बार भी मैंने 40 वार्डों में 40 हमारे सिंगल फेस जो ट्यूबवेल करवाई थी वो भी बंद पड़ी हुई है, वो नगर परिषद आयुक्त से भी हमने कहा है उनको तत्काल उनको चालू कराएं, हेडपम्प है उनको चालू कराएंगे और जो सोर्स है उनको चालू करा करके पानी की पूर्ति को नियमित करेंगे। गंगापुर में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगभग एक महीना इसको चालू होने में लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एक महीने के लिए एक महीना चालू होने में ये जो 5 MLD पानी आ रहा है, 4 MLD पानी आ रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है जी, ये तो रेगुलर रहेगा। और पानी की मात्रा कैसे बढ़े, क्योंकि अभी 60 टंकियां चालू करनी है जी, वो लगभग बन करके तैयार है, वो उनको केवल उनकी टेस्टिंग बाकी है और उनको जोड़ना है, वो भी जल्दी से जल्दी जोड़ करके और उन टंकियों को चालू करेंगे, हर कॉलोनी में पानी पहुंचाएंगे। इसके लिए चंबल से हम ज़्यादा पानी लेना चाहते हैं, 5 MLD ही नहीं, और ज़्यादा पानी हमको कैसे मिल सकता है, वो पानी इंटेक वेल में उपलब्धता के आधार पर मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं होगा तब तक गंगापुर में रेगुलर सप्लाई नहीं हो सकती। ये यहाँ ढोंग करके नाटक करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
कि हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया, हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया, इंटेक वेल बना ही नहीं है, इंटेक वेल नहीं बना, पंप हाउस वहाँ के वहाँ जा छोड़ करके गया भाई है, फिल्टर प्लांट वह अधूरा पड़ा हुआ है, एरो ब्रिज नहीं बनाया, एक भी काम इनके टाइम में चालू नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में आप देख सकते हो इनकी ये पोजीशन थी, क्या किया मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने पाँच साल में, जहाँ मैं 2013 में छोड़ करके गया वहाँ के वहीं उसको मैंने ही आकर के चालू करवाया है, और आज की पोजीशन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज की पोजीशन ये है, ये किसने चालू करवाया ये काम, ये पहले भी मैंने काम चालू करवाया, अब भी मैंने आकर के इसको जो विवाद था उस विवाद को शांत करा करके उसका समझौता करा करके चालू करवाया, और गंगापुर का भला इसी में है कि ये इंटेक वेल और चंबल की ये योजना हर सूरत में पूरी हो। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है जो आसपास में जो सोर्स थे गंगापुर में जो पीएससीटी ने करवाए, वो पूरे के पूरे सोर्सों पर अतिक्रमण करके और वो पूरी जो बाधा वो जो आपूर्ति थी उस आपूर्ति को बाधित कर दिया। गंगापुर में कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चंबल का पानी ही एकमात्र उपाय है, और हमारा प्रयास ये है कि चंबल के इस पानी को किसी तरीके से बाधित नहीं हो और गंगापुर में ये जलापूर्ति निर्विघ्न रूप से चले, और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो सर, उसको कंप्लीट कराने में लगा हुआ। सर आपके अकॉर्डिंग जल्दी ही गंगापुर के लोगों को पानी मिलेगा? बिल्कुल जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, मैं बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा प्रयास में हूँ। सरकार के लेवल पर भी मैंने हर संभव कोशिश की है, पैसा जितना भी SPML कंपनी के और उनके बीच विवाद है उस विवाद को भी दूर करने की कोशिश की है, और कंपनी इस बात पर राजी हो गई। राजी होने के बाद में ही पिछले कई वर्षों से जो इंटेक वेल का काम बंद पड़ा था वो बंद को वापस से चालू करवाया, ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे गंगापुर के लिए, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चाहे ये लोग जो ढोंगी लोग हैं जबरदस्ती यहाँ गंगापुर में आकर के और कलश यात्रा निकाल करके चंबल के पानी की ढोंग कर रहे हैं, एक धेले का भी काम इन लोगों ने इनके टाइम में नहीं करवाया है। ऐसे समय में इन लोगों को राजनीति करना शोभा नहीं देता। मेरा इनसे विनम्र अपील है इनसे कि ऐसे संकट के समय में गंगापुर के लोगों को गुमराह नहीं करें, गंगापुर के लोगों को भ्रमित नहीं करें, प्रशासन से अनावश्यक रूप से टकराए नहीं, कभी पुलिस से टकरा रहे हैं, कभी प्रशासन के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, कभी यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये शोभाजनक बात नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने आपको बताया, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और हम लोग वो काम कर रहे हैं जिससे गंगापुर का निश्चित रूप से भला होगा, गंगापुर के लोगों को पानी मिलेगा। सर जैसा कि लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन को लेकर आपकी ओर से आमजन के लिए क्या तैयारियां हैं कि सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो घर पर बैठ चुके हैं और आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो इस स्थिति में उन्हें का जीवन यापन वो किस तरीके से किए? देखो ऐसा है, लॉकडाउन में पिछली बार भी गंगापुर में जो सेवाभावी लोग हैं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं उन लोगों ने जबरदस्त मदद की थी, गंगापुर सेवा समिति भी उनमें से एक नाम है। गंगापुर सेवा समिति ने अभी देवी स्टोर चौराहे पर विधायक निवास पर आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक लाइन लगी हुई है, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको हर सूरत में देर शाम तक भी खाना बना करके उसको उपलब्ध कराया जा रहा है, और ये व्यवस्था रेगुलर चलेगी। इसके लिए जो 8 रुपये की राशि जो उपभोक्ता से लेने की बात थी वो 8 रुपये भी हमारी तरफ से गंगापुर सेवा समिति की तरफ से दे रहे हैं, और आगे के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि गंगापुर सेवा समिति के पास भी फंड खत्म हो गया है। ऐसे में चाहे मेरा विधायक का जो हमारा वेतन है वो पूरा वेतन अगले 2.5 साल तक जब तक मैं विधायक हूँ तब तक पूरा के पूरा मेरा जो वेतन है
वो पूरा मैं गंगा इसमें इंदिरा रसोई के लिए उसको समर्पित करूंगा। उसमें जितना पैसा लगेगा वो पूरा पैसा गंगापुर सेवा समिति की तरफ से भी नहीं लेकर के और मेरे वेतन में से मैं दे करके इस काम को रुकने नहीं दूंगा। सर वर्तमान में इंदिरा रसोई चली रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस डर की वजह से नहीं आ पाते कि रास्ते में पुलिस खड़ी होती है, उनके चालान मान लो हो जाते हैं। तो सर जैसे कि आपने पिछले साल जो किट उपलब्ध करवाई थी निराश्रितों के लिए, उसके लिए सर कुछ किया है क्या? किट के लिए भी हमने जो पिछली बार पैसा दिया था वो पैसा अभी जो उसमें से बच गया जी, उस पैसे को भी वापस लाने के लिए अभी एस डी ओ साहब से हमने कहा है, एस डी ओ साहब लेटर निकाल रहे हैं उसके लिए, वो पैसा जो पड़ा हुआ है उसको वापस मंगा रहे हैं। और सूखी सामग्री के जो किट हैं जिनकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर ऐसे परिवार जो वास्तव में जो जिनको आवश्यकता है उनको सूखी सामग्री भी वितरित करेंगे और भोजन के लिए जो ज़रूरत है उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। वो इंदिरा रसोई के माध्यम से हमारी रेगुलर व्यवस्था चल रही है।